क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो बच्चों एक हवाई अड्डा है, ठीक है, इससे उत्तर की ओर एक हवाई जहाज उत्तर की ओर, ठीक है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ रहा, ठीक है, इसी हवाई अड्डे से, ठीक है, ये जो हवाई अड्डा यह है इसी से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम दिशा में एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1.5 घंटे का मतलब 2 एकम 2 यानी 3/2 घंटे के बाद, ठीक है, समय दिया है 3/2 घंटे, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी होगी, हम नाम रख दें इसका ए बी सी, हमें बी सी जो है वो ज्ञात करनी हो, ठीक है बच्चों। देखो बी सी तब ज्ञात होगी जब हमारे पास ए बी और ए सी हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों ए बी एक दूरी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो बच्चों चाल है हमारी 1000, ठीक है, और समय है 3/2, तो 2 से जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएंगे 500 और 5 × 3 = 15 यानी 1500 किलोमीटर, यानी ए बी जो है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। अब बच्चों हम ए सी ज्ञात कर लेंगे, ए सी हो जाएगी चाल गुणा समय यानी 1200 3/2, यानी ये जब कटेगा तो आ जाएंगे 600 और 6 × 3 = 18 यानी 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों अब हम बी सी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब मतलब उत्तर और पश्चिम जो दिशा हैं वो परस्पर 90° के कोण पर होती हैं, ठीक है, 90° के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा बच्चों ए सी का वर्ग। बच्चों ए सी हमारा 1800 है, 1800 का वर्ग प्लस 1500 का वर्ग, ठीक है, तो बी सी बराबर 18 का वर्ग 324, ठीक है, 4 0 और लग जाएंगे, 15 का वर्ग 225, 4 0 और लग जाएंगे, तो बच्चों बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 × 5 = 9, 2 × 2 = 4 और ये 5 यानी 549, ठीक है। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा, इसलिए जो बी सी होगा वो हो जाएगा हमारा 300√61 किलोमीटर, यानी बी सी जो है वो 300√61 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट अवश्य कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई है